मैं बस आज देख रहा हूँ माँ और बेटी की ट्विनिंग और तुम दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों में से कौन सा एक बंदा ज्यादा प्यारा लग रहा है? एजल या मैं? दादा चलूँ, आपा का फर्स्ट टाइम है कि आपा आउट ऑफ कंट्री किसी मुल्क में ट्रैवल करने लगे। फ्लाइट जी हमारी मजीद डिले हो गई है, 10:30 बज चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। और अभी सहरी हमारी लग रही है, बल्कि बन चुकी है। हमारी से मुराद ये है कि कुछ दोस्त आए हुए हैं, शेख साहब, सलमान, रहमान, इबरार, ये भी मेरे साथ ये अभी सहरी करने लगे हैं। दरअसल ये आए हैं आज मुझे मिलने के लिए। क्यों मिलने आए हो? क्योंकि आप माशाल्लाह उमरा करने जा रहे हैं। मैंने कहा आइसक्रीम वाला, ये तोहफा भी मेरे लिए। साथ आइसक्रीम, उमरे के लिहाज से ना इस तरह का तोहफा नहीं बनता। म्यूजिक वाला घर के लिए, वहाँ के लिए, दिल्ली और कुछ लेके आए। अच्छा, क्या लेकर आए? तोलिए। हाँ, तोलिए। क्या तोलिए? तोलिए क्या करने वाले? कुछ भी तोलिए, गल नहीं ना बनी तो तोलिए नहीं। कुछ भी बोल देगा मुझे, समझ नहीं आई। वैसे यार बाय द वे ये आए इसलिए हैं कि मुझे अपनी अच्छी अच्छी दुआएं बता सके। बता दो यार, एक दुआ बता दो। कसीदे आओ दोनों, क्या दुआ है वही? यार एक मिनट ब्लॉग बना लेते भाई, तू क्या शुरू हो जा। हां दुआ बता, 10 मिनट मैं खा रहा हूं। अगले बंदे ने 10 मिनट दा, अगला भी कहंदा भाई बस कर दे, दुआ बता दे जल्दी। वही बताया था कि अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे वहां आने की। हां यार चले, ये शेख की तो दुआ, सलमान भाई आपकी दुआ। जल्द इस बंदे की शादी हो जाए। आमीन। आमीन तो रहमान, रहमान रहमान ने दुआ मुझे बता दी है। वो कहता है मैं कान में बता दी हूं पहले। क्या दुआ तुम्हारी? कहता मेरी आमीन दुआ है मेरी, कि मैं जल्दी-जल्दी ना उम्र कहीं चल जाऊं। अच्छा ये दुआ है? वो कहता मेरी आमीन नहीं, मेरी अलिफ लाम जल्दी-जल्दी। क्या मुझे यार उसकी हर मिनट में दुआ चेंज होती है। सही बात। तुम्हारी दुआ क्या है? मेरी दुआ गुजरात है। तुम्हारी जो गुजरात है, फिर अम्मी अब्बू को बताओ उनके बारे में और चित्र गाओ। जो आजो चले, क्या हो रहा है जी? तो शावर दिलवाया? बाल अब सुखा रहे हैं आप? साफ सुथरा हो गया, कोकू भी गंदा हो गया था यार। डीजल की चीजें खरीदनी थी, वो खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर आ गया था। ओए गाड़ी बहुत गर्म है। तुबा गर्मी शुरू हो गई है यार। मेडिकल स्टोर से अभी मैं हो गया हूँ फ्री, और अब बारी है हॉस्पिटल जाने की। हो जाएगी। कंसल्टेंट मतलब डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़ेगा, फिर होगी। कौन से डॉक्टर को चेक करवाना? आसिम राणा साहब। लेकिन वो उनकी फीस तो अलग से देनी पड़ेगी ना फिर। हमने तो उमरा के लिए लगवाया। उमरा के लिए लगवाया, वो तो कंसल्टेंट की। हाँ वो बारे में उनसे पूछे ना, उमरा के लिए लगवानी। हम टिकट दिखाते हैं तो वो लगा दे। पूछ ले। अभी हॉस्पिटल तो आए थे, यहाँ से वैक्सीनेशन वो कह रहे हैं कंसल्टेंट एडवाइस करेगा तभी लगेगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा है कि फ्लू की वैक्सीनेशन हम लोगों ने लगवानी है, तो कंसल्टेंट की एडवाइस ना भी हो तो फ्लू की वैक्सीनेशन तो लगवा ली जाती है यार। इसलिए अभी देखते हैं क्या करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए अभी मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की है जो कि लैब वाला है। वो कहता है मैं तुझे बता दो 5-10 मिनट में। मैंने कहा फिर 5-10 मिनट का टाइम है तो हम लोग ये शैम्पू वगैरह जो अपने लिए लेने वो खरीद लेते हैं। बेगम को शैम्पू खरीदने के लिए लाया, लेकिन इसने अभी लंबी लिस्ट अपनी रेडी कर ली है। कोई क्रीमें श्रीमें भी ले रही है। आपकी है? मैं नहीं क्रीमें लगाता, वैसे भी हज उम्रे पर जाकर मैंने क्रीमें लगानी है। तो बस लगा लूंगा, वैसे ले लो। स्टोर से भी फ्री हो गए हैं हम लोग। अभी फाइनली हमें वैक्सीनेशन का पता लग गया है कि कहाँ से लगती है, वहाँ से लगवाने के लिए आ गए हैं। एजल को नहीं लगेगी क्योंकि अभी ये छोटी है, बाकी हम तीन बंदों को लगेंगे, मुझे, कमल को और आपा को। नहीं, उसकी स्लिप नहीं बदलेगी।
चले जी, अभी हम लोग वैक्सीनेशन लगवा कर भी फ्री हो चुके हैं और अभी कुछ लोग कहेंगे कि आपने रोजे की हालत में टीका लगवा लिया, आपका रोजा टूट चुका होगा, आपका रोजा मकरू हो गया। तो मैं बताता चलूं कि भाई मेरा एक दोस्त है उलमा, उससे मैंने पहले कंफर्म किया है कि रोजे की हालत में आप टीका लगवा लें या फिर ब्लड का सैंपल निकलवा लें तो आपका रोजा तो नहीं टूटता। उसने कहा नहीं, रोजा नहीं टूटता। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने किसी करीबी मौलवी साहब या उलमा से पूछ लें, ठीक है? कमेंट करने से पहले पूछ जरूर लीजिएगा एक दफा। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने फ्लू की वैक्सीनेशन क्यों लगवाई है, क्योंकि भाई वहां पर रश बहुत है माशाल्लाह, लेकिन उस रश में आपको फ्लू होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अच्छा यही होता है कि आप ट्रेवल करने से पहले मक्का या मदीना एक दफा फ्लू की वैक्सीनेशन लगवा ले। वहां जाकर जो बंदा बीमार हो जाता है ना, तो फिर समझ लो आप अपने सफर को इंजॉय नहीं कर पाते और इबादत का लुत्फ नहीं उठा सकते। टाइम हो चुका है, अभी क्या टाइम हुआ है, पौने चार हो चुके हैं और रात 9 बजे की हमारी फ्लाइट है, लेकिन हम लोगों ने घर से निकलना है कोई 6:15 बजे। तो 6:15 बजे निकलना है, उससे पहले काम बहुत ज्यादा है अभी, बल्कि हम लोग ना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सीधा आगे हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि जिस मुल्क में जाते हैं उसकी करेंसी भी तो भाई चाहिए होती है ना। ये जैसे पता ही नहीं था। मजे की बात यह है कि हमारे पास पहनने के लिए मास्क है नहीं और हम लोग मॉल के अंदर अभी जाने लगे हैं। बाकी अल्लाह खैर ही करे, मास्क दूसरी गाड़ी में होता है। आज चूंकि मैं इब्रार की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ तो मेरी वाली गाड़ी में मास्क पड़े होते हैं, इब्रार की गाड़ी में कोई मास्क नहीं होता, इसलिए फिर हमें मजबूरन ऐसे ही जाना पड़ रहा है। करेंसी के लिए भी बायोमेट्रिक करवाना था, ठीक है? हो गया बॉस? हो गया जी, हो गया। रियाल का रेट चल रहा है 74.5, बाइंग सेलिंग 75.24, हैवी चल रहा है यार। चले जी, अभी करेंसी भी ले लिया हम लोगों ने और कवर ले जाते जाते एक एदल का बैग भी ले लिया, पता नहीं इसको क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी। बाकी क्या देखेंगे कि अब ये बैग वहाँ जाकर यूज होता है या नहीं होता। नमाज के लिए यूज होगा, खरीद लिया वैसे इसने। नमाज के लिए कैसे यूज होगा? जब मैं नमाज पढ़ूंगी तो मैं इसको खोल के इसके अंदर बिस्तरे में लिटा दूंगी। ये बैग नहीं है, बेड है क्या? बेड बना हुआ है। हाँ, अच्छा मतलब बैग बन जाता है पैक करने के बाद। सही है यार, फिर तो अच्छा है। ओ, ओ, यार मास्क का मैंने बताया नहीं आपको, मास्क दरअसल हमें वो करेंसी वाली शॉप से मिल गया था। मैंने कहा मास्क दे दो यार, थोड़ा सा बचत हो जाएगी अपनी। उन्होंने भी फिर मास्क दे दिया। अभी जी घर आकर रेडी शेडी हम लोग हो गए हैं और तैयारियां भी सारी हो गई है, पैकिंग भी कम्प्लीट ही है ऑलमोस्ट, बस अभी इंतजार कर रहे हैं रोजा खुलने का। रोजा खुलने में 3-4 मिनट बाकी है, 3-4 मिनट बाद रोजा खुलेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि रोजा खुलने में टाइम है 3-4 मिनट है, तब तक मैं गाड़ी में बैग रख देता हूँ, ये लेकर जाए, ये भी पकड़, मैं दूसरे भी लेकर आता हूँ, ये वाले भी मैं ले जाता हूँ सीट कर ही बाहर, टाइम बच जाएगा। 9:20 की फ्लाइट है और 6:15 हो चुके हैं। वैसे पहुँचना तो 3 घंटे पहले होता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इफ्तारी घर ही कर जाएंगे, बाहर करने वाली कोई इफ्तारी नहीं होती भाई। अभी जी रोजा खुल गया और अभी अपनी इफ्तारी में माशाल्लाह चाट है, फ्रूट्स है और ये चिप्स है और चना चाट है, बस ये खाने लगे हैं जल्दी जल्दी में, और जल्दी जल्दी में निकलेंगे साथ साथ हो जाए। घड़ी ले आई, घड़ी में पहन रहा हूँ, खोलेंगे स्पून से। खाने पीने के मामले में जल्दी नहीं होनी चाहिए। काकी भी हमारी रेडी हो गई है, अफ्तारी कर लिया आपने? हमने भी कर लिया। चलो आओ चले, चलो चले, शाबाश, चलो 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 चले, चलो आओ। ये भी रख दे भाई, उसमें रख दिए, उसमें रखने। अच्छा बाकी के इस बैग में रखेंगे। अभी हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, अभी आपा को हार पहना दिया है, माँ जी हार लेकर आए हैं और कमल का दूसरा नंबर है हार पहनाने का। वाह भाई वाह, पहला नंबर था लेकिन आप मोबाइल यूज़। मैं जरा बिजी बंदा हूँ ना यार, थैंक यू सो मच। ये बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। एजल का हार कहाँ है? एजल, ओहो, ये देखो, एजल का हार, ये एजल का छोटा सा, ओ एजल ने भी हार पहन लिए, माशाल्लाह। अभी जी सीन ये हो चुका है कि हमारी फ्लाइट हो गई है 1:10 डिले, तो पहले थी 9:20 पर, अब हो चुकी है 10:30 पर। अब फिर क्या करना है, कुछ नहीं, इंतजार करते हैं फिर। अभी यहाँ मैं लाउंज में आकर बैठ गया हूँ, यहाँ मैंने बिस्किट लिए थे और चाय लिए थी, चाय भी अच्छी नहीं है, बिस्किट बस ठीक ही है। ये मैं जो घर से सामान लेकर आया था ना, ये स्नैक्स वगैरह फ्लाइट में या फिर रास्ते में खाऊंगा, वही मैं अभी खा रहा हूँ बस। और खाना तो
हम लोग पहले ही घर से खा कर नहीं आए, बस अफतारी की है थोड़ी बहुत और निकल आए थे। मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया। हाँ इसने तो बिल्कुल ही वो चना चाट ही बस थोड़ी सी खाई है, चार चम्मच, वो भी चार चम्मच। चलो कोई मसला नहीं, अब भूखी मरो तुम। मैं तो फिर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा आया था, लेकिन कोई नहीं, खैर इनसे ही गुजारा कर लेंगे यार। टाइम हो चुका है 10:03 और अभी हम लोग जाएंगे फ्लाइट में बैठने के लिए। दादा चलू, आपा का फर्स्ट टाइम है कि आपा आउट ऑफ कंट्री किसी मुल्क में ट्रैवल करने लगे है ना। और इनको ये भी नहीं पता कि जहाज में बैठने के बड़े असूल होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बैठता है तो जहाज उठता है तो उसे पकड़ के बैठना चाहिए। जी हाँ, अच्छी तरह। और ये मजाक समझ रही है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठेंगी और बहुत ज्यादा डरी भी है, बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा है, और मुझे लगता है कि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह अच्छा नहीं होना, इंशाल्लाह नहीं होना। मैं बस आज देख रहा हूँ माँ और बेटी की ट्विनिंग, और तुम दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों में से कौन सा एक बंदा ज्यादा प्यारा लगता है? एजल या मैं? ये तो सॉरी हम सॉरी, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता था, बेटी मेरी ज्यादा प्यारी लग रही है। फ्लाइट जी हमारी मजीद डिले हो गई है, 10:30 बज चुके हैं, और लेकिन 10:25 हो चुके हैं और मैं नीचे गया था, नीचे जाकर पता चला कि फ्लाइट मजीद डिले हो गई है। मैंने कहा अब क्या करें भाई, खाया पिया भी कुछ खास नहीं है, तो आते ही मैंने ये सैंडविच ऑर्डर किया, अभी ये खाने लगा हूँ। बाकी वहाँ भी यही मेरे साथ एक एक खा लेगी, ठीक है ना, बड़ा है ना, एक एक खा, तुमने नहीं खाना? हाँ जी, ये तो डाइट पर चल रही। नहीं जा रहा। ये कह रही है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा, लेकिन ये वही खुशी होती है जिस खुशी में बंदा मर जाता है। ठीक है जी, खुशी अपनी जगह पे, भूख अपनी जगह पे। जी हाँ जी, पेट की भूख अपनी। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक सेकंड पहले ना ऐसे वो शूज उतार रहे थे, कमल ने पूछा क्या हुआ है, उसमें मच्छर चला गया। कहाँ से आते हैं शूज में? मच्छर चले गया था, और वो मच्छर शायद कोई इतना बड़ा था जो तंग कर रहा था। वैसे तो मच्छर छोटा सा होता तो वो शूज में जाते ही मर जाता है, लेकिन इनके वाला मच्छर बड़ा था, आपा वाला। जी हाँ, चले ठीक है, सैंडविच खाएं, अभी देखते हैं कब उठती है फ्लाइट पे। फाइनली जी 3 घंटे डिले के बाद हम लोग जाने लगे हैं। चले जी, अभी फिर हमें दे इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।